Hello dear viewers, welcome to DigiMentor YouTube channel, also known as getlectures.com. So, अभी कुछ दिनों पहले DSSSB का एक notification आया था PGT Computer Science के लिए, जिसमें कुछ vacancies हैं PGT Computer Science and TGT Computer Science ETC के लिए. So, इसके लिए हमने एक video series start की थी, जिसमें हमने पूरा notification discuss किया था और कुछ questions discuss किए थे. वो video series हम continue नहीं कर पाए थे, कुछ priority videos की वजह से. लेकिन अब एग्ज़ाम आपका आ रहा है, अप्रैल के एंड तक एग्ज़ाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके पास में 2.5 मंथ्स अभी अवेलेबल हैं. सो इन 2.5 मंथ्स में हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, 200 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट पे. ओके, तो इस पूरी वीडियो सीरीज में हर एक वीडियो 1 आवर की होगी और उस 1 आवर में हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे. तो पहले हम इस पूरी वीडियो सीरीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये वीडियो सीरीज आपको पूरे आपके इस डीएसएसबी में ही नहीं, बल्कि आपको पता है कि 22 अप्रैल में इसरो का साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद में बार्क का एग्ज़ाम है अप्रैल में ही, उसके बाद में फिर जून जुलाई के अंदर आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है. तो इस तरह से हर जो भी एक साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होगा या आपका जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, उसमें ये वीडियो सीरीज हेल्प करने वाली है. डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी आपका मोस्ट प्रोबेबली मार्च के एंड या अप्रैल में होगा. तो ये वीडियो सीरीज आपको डीएसएसबी, इसरो, बार्क एंड यूजीसी नेट, इन सब में हेल्प करने वाली है. इस पूरी वीडियो सीरीज में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो जो डीएसएसबी में सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं डीएसएसबी के टेक्निकल पार्ट में, ओके, दो पार्ट होंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. नॉन टेक्निकल पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे. टेक्निकल पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वही जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं. पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड सब्जेक्ट है कंपाइलर. इन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में, डीएसएसबी में. और हमें पता है कि यही सब सब्जेक्ट्स आपके इसरो में है, बार्क में, यूजीसी नेट में और गेट में भी है. तो वही कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद में आपका टीओसी. और इस पूरी वीडियो सीरीज में हर एक वीडियो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. तो ये वीडियो आपकी पूरी हिंदी में होगी. सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ओके, देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल डिज़ाइन, ओके, डिजिटल लॉजिक और डिजिटल डिज़ाइन, डीपीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं सब्जेक्ट को, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसरो में बहुत हेल्प करने वाला है, बार्क में एंड डीएसएसबी में. ओके, और ऑब्वियसली यूजीसी नेट में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ही. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आएंगे डीएसएसबी में, और हमें पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं. तो हर एक सब्जेक्ट में हमारे पास में 200 MCQs होंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक टॉपिक से कुछ MCQs उठाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, इन सब टॉपिक से हम पूरे 200 MCQs देखेंगे. और हर एक वीडियो में 50 MCQs हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 4 घंटे में आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद में 200 MCQs हमारे काउ से होंगे, कंपाइलर से 200 MCQs होंगे, सीएन से, ओके, उसके बाद में टीओसी के 200 MCQs, देन सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर के 100 MCQs, 15 C 15 डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद में एल्गोरिथम के 100 MCQs इनफ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 100 MCQs, डिजिटल डिजाइन 50 MCQs. सो मैंने 100, 200, 50 क्यों रखे हुए हैं, इनके वेटेज के हिसाब से, जितने वो पूछ रहे हैं डीएसएसबी एग्जाम में उसी के हिसाब से मैंने वेटेज रखा हुआ है, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस ना करने पड़े. तो 100 MCQs डीबीएमएस, सॉफ्ट इंजीनियरिंग 100, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50 एंड टीचिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चंस. सो हम इस तरह से हमारे पास में अबाउट 2000 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, 2000 MCQs. आप इन सब वीडियोस को देखने के बाद में प्रिपेयर कर चुके होंगे, और इन पूरे एमसीक्यूज के थ्रू हम हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट भी देख चुके होंगे. तो इसका मतलब यह है कि आपके 2000 MCQs हैं, और हर एक वीडियो में आपके पास में 50 MCQs होंगे, ओके, 50 MCQs पर वीडियो, विच मीन्स 1 आवर में. तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका 200 MCQs का है तो वो 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 100 MCQs का है तो वो 1 आवर में, ओके, 2 आवर्स में. तो ये आपको पूरी वीडियो सीरीज का स्ट्रक्चर रहेगा. तो पहला हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर 50 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे. इस तरह से 4 आवर्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होगा, जिसमें हर एक वीडियो में आपके 50 एमसीक्यूज होंगे,
और 4 वीडियोस में 200 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। उन 200 MCQs को कंप्लीट करने के बाद में आप सब कुछ कवर कर चुके होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, मीन्स आप पूरा सिंक्रोनाइजेशन, पूरा डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, हर कुछ आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दो डेफिनेशन बोल सकते हो आप, एक यूजर के परस्पेक्टिव से, एक सिस्टम के परस्पेक्टिव से। अगर हम यूजर के परस्पेक्टिव से देखें तो यूजर कहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम के परस्पेक्टिव से देखें तो सिस्टम कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स मैनेजर। ओके, रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स अलोकेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिसोर्सेज को अलोकेट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट की तरह है जो आपके पूरी कंट्री के रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है और रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है। कौन सी रिसोर्स किसको मैनेज करता है? हार्डवेयर को। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ट्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड आपके कर्नल के बीच में कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है कर्नल, जो कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सी इज सेइंग लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये डेफिनेशन है यूजर के परस्पेक्टिव से। ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में। ओके, और यू कैन से हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में, क्योंकि यूजर ही तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशनड। सेकंड क्वेश्चन, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द विच। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप क्या, आप कैसे यूज करोगे? अगर अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, पूरा सिस्टम की लेयर्स इस तरह से हैं। ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यहाँ बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है कहीं, और यहाँ पर एक हार्डवेयर जो आपकी मशीन है। तो ये लेयर्स हैं एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम की। पहले हार्डवेयर है, इसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डालते हो जिन पे यूजर वर्क करता है। ओके, यूजर यूज करता है यूजर एप्लीकेशन को। तो अगर यूजर को कोई भी हार्डवेयर यूज करना है तो यूजर उसको हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको प्रोवाइड करेगा एक्सेस हार्डवेयर का एप्लीकेशन प्रोग्राम को। तो यूजर को जब भी कुछ एक्सेस करना है हार्डवेयर से तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा कि आई वांट टू एक्सेस कीबोर्ड और आई वांट टू एक्सेस मदर एनीथिंग, लेट्स से माउस। तो अगर यूजर को कोई भी डिवाइस यूज करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर सीपीयू या फिर मेमोरी, तो वो ओएस से रिक्वेस्ट करेगा। ओएस से रिक्वेस्ट कैसे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम कॉल्स के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी यूजर को, वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा, इसमें आपने लिखा लेट्स से मेन, ये आपका सिंपल सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सिंपल सी प्रोग्राम, और इसमें आपने लिखा प्रिंट एफ हेलो। तो अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम की बात करूं, ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या कर रहा है? प्रिंट एफ फंक्शन वॉन्ट टू प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन। प्रिंट एफ को हेलो डिस्प्ले करना है कहाँ? स्क्रीन पर, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन को आउटपुट डिवाइस यूज करना है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आपका स्क्रीन, क्योंकि इसको स्क्रीन पर शो करना है। तो प्रिंट एफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो इंटरनली एक राइट सिस्टम कॉल है उसको यूज कर रहा है। ओके, राइट सिस्टम कॉल। तो ये प्रिंट एफ डायरेक्टली इस हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर रहा है, प्रिंट एफ कॉल कर रहा है राइट को। राइट क्योंकि सिस्टम कॉल है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंट एफ रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे ये शो करना है स्क्रीन पे। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इस राइट सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली जो भी शो करना होगा इस डिस्प्ले पे वो शो कर देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टम कॉल जो है वो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके, ये बहुत ही हम क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करते हैं। हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, इसमें नॉट ट्रू लिखा हुआ है या ट्रू लिखा हुआ है। ओके, तो नॉट ट्रू विच मीन्स इनमें से कौन सा फॉल्स है। कर्नल, अब कर्नल की बात करें, चारों चारों के चारों ऑप्शन कर्नल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम कर्नल की बात करें, कर्नल क्या है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही डिस्क्रीट पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर है। ओके, यू कैन से कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका कर्नल है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है कर्नल। ओके, एक एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है कर्नल,
जो कि कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कर्नल ही कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट, ये कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी कर्नल कर रहा है। आईओ मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। और कर्नल पहला प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिस टाइम आप सिस्टम को ऑन करते हो, तो सिस्टम को ऑन करने के बाद में पहले आपका बूटस्ट्रैप लोडर लोड होगा। और बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा, सबसे पहले कर्नल को लोड करेगा मेमोरी के अंदर। ओके, तो पहली चीज़ जो मेमोरी के अंदर लोड होगी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले, वो होगा कर्नल, क्योंकि सब चीज़ कर्नल ही करेगा। और कर्नल एक फिक्स लोकेशन पे, मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी मेन मेमोरी है उसके अंदर फिक्स लोकेशन पे कर्नल लोड होगा। मतलब क्या है कि ये लोकेशंस जो हैं, लेट से यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये लोकेशन किसी और को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ये अनशेयर्ड रिसोर्सेज होगी, अनशेयर्ड मेमोरी लोकेशंस होगी, जो सिर्फ कर्नल ही यूज़ करेगा और कोई यूज़र प्रोसेस इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। और कर्नल हमेशा मेमोरी के अंदर ही होगा, जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता रहेगा तब तक कर्नल मेमोरी के अंदर रहेगा, क्योंकि कर्नल के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा मतलब क्या है, आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो कर्नल हमेशा मेमोरी के अंदर रहेगा, प्लस सबसे पहला प्रोग्राम होगा कर्नल जो मेमोरी के अंदर लोड होगा आपका कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑन होने के बाद में। तो कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर है कर्नल। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग कंट बूटिंग, दिस इज ट्रू। जब बूट होगा आपका ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, तो सबसे पहली चीज़ जो लोड होगी मेमोरी के अंदर वो कर्नल होगी। कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज फॉल्स। ऐसा कोई भी मॉड्यूल नहीं है कर्नल का जो मेमोरी के अंदर लोड नहीं होगा, सारे के सारे मॉड्यूल कर्नल के मेमोरी के अंदर लोड होंगे। ये कह रहा है कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम रन ही नहीं कर सकता है कर्नल के बिना। कर्नल रिमेंस इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन, ये ट्रू है, कर्नल हमेशा मेमोरी के अंदर रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। तो सी फॉल्स है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से एरर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर सकता है। पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। अगर आप ध्यान से देखेंगे सब के सब क्या है, हार्डवेयर फेलियर्स है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है हार्डवेयर को। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक तरह के फेलियर को मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो अगर पावर फेलियर हुआ तो पावर फेलियर केस में क्या होगा, पावर सिस्टम आपका इंटरप्ट करेगा सीपीयू को। सीपीयू क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, सीपीयू कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यू नीड टू एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो कोई भी किसी भी तरह का फेलियर हो कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले हम इन्फॉर्म करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी की सारी प्रोसेस जो रन कर रही है उनको सेव करेगा और फाइनली शट डाउन करेगा। तो हर तरह का फेलियर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इज वॉट, कमांड इंटरप्रेटर। ओके, कमांड इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो आपका, फॉर एग्जाम्पल शेल हो गया या फिर आपका डॉस हो गया, डॉस प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, वो सब क्या है, कमांड इंटरप्रेटर। मतलब अब वो कमांड को रीड करेंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। आप उनको कोई भी कमांड टाइप करोगे तो वो उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेगा कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। तो ये कह रहा है कि टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, नो टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, नो टू हैंडल द फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, नो सो नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। एक्चुअल में जो कमांड इंटरप्रेटर है वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ओके ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू गेट एंड एग्जीक्यूट, दिस इज रिटर्न। ओके, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, सो ए इज द राइट आंसर। कमांड इंटरप्रेटर काम क्या है, कमांड्स को लेना और उनको एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 6, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्सिस मैनेजमेंट कैन बी डन वाय वॉट। तो आपके पास में रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, रिसोर्सेज क्या है, पहली चीज़ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज तीन ही हैं, सीपीयू, आईओ एंड मेन मेमोरी। ये तीन रिसोर्सेज है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इनके अलावा कोई भी रिसोर्स नहीं होगी। ओके, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। तो इसको रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम इनकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन वाय टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या बोथ। इसका मतलब क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका मतलब क्या है कि मेन मेमोरी है और कई सारी प्रोसेसेस फाइट कर रही है मेन मेमोरी को
अक्वायर करने के लिए. ओके, दीज थ्री प्रोसेस आर फाइटिंग फॉर मेन मेमोरी. इन तीनों प्रोसेस को मेन मेमोरी यूज़ करनी है, लेकिन मेन मेमोरी हम किसी एक को ही दे सकते हैं एक टाइम पे, या फिर मल्टीपल को भी दे सकते हैं. क्वेश्चन ये है, अगर आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीपल प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकते हैं, मेन मेमोरी दे सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे मेन मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकती है अगर वो मल्टी प्रोग्रामिंग है. अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम, अगर मैं सीपीयू की बात करूं, सीपीयू को लेट से P1 P2 तीन प्रोसेस आपकी रन करने की कोशिश कर रही है, इन तीनों पे शेड्यूल होने की, तो सीपीयू को हम शेयर कर सकते हैं. यस, वी कैन शेयर सीपीयू. अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकती है, तो हर रिसोर्स शेयर की जा सकती है. अब वो शेयर कैसे करें हम, टाइम के अकॉर्डिंग या स्पेस के अकॉर्डिंग? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है, टाइम डिवीजन मतलब P1 को कुछ टाइम के लिए मेन मेमोरी एलोकेट करो, फिर कुछ टाइम के लिए P2 एलोकेट करो, फिर कुछ टाइम स्लॉट के लिए P3 को एलोकेट करो. मतलब हमने क्या करा, एक टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक स्लॉट में एक प्रोसेस रन करेगी. मतलब क्या हुआ, लेट से हमने पहली 10 सेकेंड के लिए P1 को दे दी मेन मेमोरी, और अगली 10 सेकेंड के लिए हमने P2 को दी, और अगली 10 सेकेंड के लिए P3 को दी. तो इस तरह से हम 10 10 सेकेंड के लिए मेन मेमोरी प्रोसेस को शेयर कर रहे हैं, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं. जैसे आपने चैनल्स में देखा होगा कंप्यूटर नेटवर्क में, जो हम चैनल की टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, TDM चैनल्स. तो TDM में हम क्या करते हैं कि जब मल्टीपल नोड्स हैं और हमारे पास में चैनल एक ही है, तो हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. मतलब कुछ टाइम के लिए एक नोड उस चैनल को यूज़ करेगा, कुछ टाइम के लिए दूसरा नोड यूज़ करेगा, और कुछ टाइम के लिए तीसरा नोड यूज़ करेगा. स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यह है कि एक टाइम पे ही मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, लेकिन हर एक प्रोसेस पूरी की पूरी मेमोरी नहीं लेगी. ओके, उसमें क्या होगा, टाइम डिवीजन स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कि कुछ स्पेस आप प्रोसेस P1 को दे देंगे, कुछ स्पेस आप P2 को दे देंगे, और कुछ स्पेस P3 को दे देंगे. तो सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली इस मेमोरी के अंदर हो सकती है, यानी कि मेमोरी आप मल्टीपल प्रोसेस को एक टाइम पे दे सकते हैं, यानी कि शेयर हो गई पूरी मेमोरी, आपने शेयर कर दी स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग. मतलब क्या है कि स्पेस के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया मेमोरी को, और सबको कुछ कुछ स्पेस दे दिया हमने मेमोरी के अंदर. लेकिन जब आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि जब P1 को मेमोरी मिली तो उसको पूरी की पूरी मेमोरी मिली, फुल मेमोरी. ओके, तो ये डिफरेंस है. तो हम जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं. टाइम क्वांटम इज डिफाइंड इन विच ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स? तो आपने एक वर्ड सुना होगा टाइम क्वांटम, जब आपने पढ़ी होगी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स से आपके पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड देन राउंड रॉबिन, मल्टीपल मल्टी लेवल क्यू फीडबैक, इस तरह की हमारे पास में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थी. तो टाइम क्वांटम हमारे पास में एक वर्ड था जहाँ पर आप कुछ टाइम दिया हुआ होगा और एक प्रोसेस उसी टाइम के लिए रन करेगी. एक प्रिमिटिव एल्गोरिथम थी, वो प्रिमिटिव एल्गोरिथम कौन सी थी? दैट वाज राउंड रॉबिन. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास में एक टाइम क्वांटम दिया हुआ होगा और हर एक प्रोसेस इस टाइम क्वांटम के लिए रन करेगी. ये जब टाइमर एक्सपायर होगा तो वो जो प्रोसेस रन कर रही थी वापस रेडी क्यू में आएगी और नेक्स्ट प्रोसेस हम शेड्यूल कर देंगे सीपीयू के पास. तो राउंड रॉबिन के साथ में एसोसिएटेड है टाइम क्वांटम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा RTOS नहीं है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये सिंपल आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. इसमें से पाम ओएस जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू. ट्रू, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यू इज परमानेंट. प्रोसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू ग्रुप नन ऑफ द मेंशन्ड अबव. तो इनमें से मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए कौन सा ट्रू है? तो एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है आपके पास में मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. ओके, इसमें क्या होगा, आपके पास में मल्टीपल क्यूज होगी. जैसे आपके रेडी क्यू होती है, हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सिर्फ एक रेडी क्यू थी और उस पर हम कोई एक एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे थे. लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल क्यूज होगी. अगर एक प्रोसेस इस क्यू में एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो वो अगली क्यू में ऐड हो जाएगी. पहले क्या हो रहा था, जैसे आपकी कोई प्रिमिटिव एल्गोरिथम है तो जब उसका टाइमर एक्सपायर होगा तो वापस से उसी सेम रेडी क्यू में वापस एंटर कर जाएगी. लेकिन इस केस में क्या होगा, जब वो दोबारा से वापस आएगी तो वो नेक्स्ट वाली क्यू के अंदर ऐड होगी. तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल क्यूज होगी और हर एक क्यू पे कुछ टाइम क्वांटम दिया हुआ होगा. ठीक है, ये प्रोसेस है
आपके पास में लेट्स से P1, P2, P3, P4, P5, P6, इस तरह से हमने ग्रुप्स में डिवाइड की हुई है प्रोसेसेस, और वो अलग 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 क्यूज में ऐड होगी लाइक दिस। तो इस क्यू के लिए लेट्स से टाइम क्वांटम है आपका 2 नैनोसेकंड, इस क्यू के लिए है टाइम क्वांटम 4 नैनोसेकंड, और ये आपकी जो क्यू है ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस तरह से हमने प्रोसेस को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि पहले प्रोसेस जो है वो 2 नैनोसेकंड के लिए रन करेगी, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई इन 2 नैनोसेकंड में तो उसको आप नए अगले वाली क्यू में ऐड करोगे, और उस क्यू में ऐड होने के बाद में उसको 4 नैनोसेकंड में रन करने का मौका मिलेगा। अगर वो फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाई तो अगली बार वो ऐड करेंगे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू में, जो कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होगी। इसका मतलब क्या है कि अगली बार वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी ही होगी, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसमें नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। तो अगर एक बार वो शेड्यूल हुई तो पूरी कंप्लीट करने के बाद ही टर्मिनेट करेगी। तो इस तरह से आपने क्या किया है, प्रोसेस को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अब प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू, ओके दिस इज ट्रू। हमें पता है कि अगर एक प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाई तो वो अगली क्यू में एंटर कर जाएगी। दिस फॉल्स, प्रोसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। ओके, प्रोसेस तो हमने ग्रुप्स में डिवाइड की है तो फॉल्स ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड व्हाट। तो अगर आपका सिस्टम एक प्रोसेस रन करने में अलाउ कर रहा है एक बार में, तो उसको कहेंगे हम क्या। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से लग रहा है देखने में, और इसके ऑप्शंस भी बहुत ही सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूनि प्रोग्रामिंग, यूनि प्रोसेसिंग, यूनि टास्किंग सेम से चीज़ लग रही हैं। लेकिन यूनि प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस हो सकती है एक टाइम पे। ओके, यूनि प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपल सा इतना है कि एक आपकी मेन मेमोरी के अंदर एक ही प्रोसेस हो सकती है एक टाइम पे। यूनि प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि मेमोरी के अंदर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो सकती है। यूनि प्रोसेसिंग कह रहा है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। यूनि टास्किंग कह रहा है कि एक टाइम पे एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है, एक प्रोसेस के अंदर कई सारे टास्क हो सकते हैं तो एक टाइम पे एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन हमें बात करनी है कि द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि बी इज द राइट आंसर। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग सब में बहुत डिफरेंसेस हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म सिग्नल एंड सिग्नल हैंडलर्स। तो हर एक प्रोसेस जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर रन कर रही होगी उसका एक पीसीबी होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उस पीसीबी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रोसेस की स्टेट, किस स्टेट में है प्रोसेस, फॉर एग्जांपल न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और वेटिंग, ये सब प्रोसेस की स्टेट्स हैं। तो प्रोसेस की स्टेट होगी स्पेसिफाई इस पीसीबी में, पॉइंटर्स होंगे उसके, प्रोसेस का नंबर, प्रोसेस आईडी, यू कैन से प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर मींस वो प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुकी है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो एड्रेस रखेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, कि उस वो प्रोसेस कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही थी, इस चीज़ का ट्रैक रखेगा। रजिस्टर्स कौन कौन से यूज़ कर रही हैं और उन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ये सब हर एक प्रोसेस के अंदर उसका यूनिक होगा, उसका अपना होगा हर प्रोसेस का पीसीबी। ओके, तो ये कह रहा है कि हर एक प्रोसेस का कौन कौन सी चीज़ें अपनी होती हैं, ओके, जो वो शेयर नहीं करती। एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, कोई भी प्रोसेस अपना एड्रेस स्पेस किसी दूसरी प्रोसेस के साथ में शेयर नहीं करेगी, उसका अपना एड्रेस स्पेस होगा। ओपन फाइल्स, हमें पता है कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हैं उसकी अपनी होगी, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस अपने होंगे। अलार्म सिग्नल एंड सिग्नल हैंडलर्स, ये भी सब उसके अपने होंगे। तो ऑल ऑफ द मेंशन डबो हैज़ इट्स ऑन, और हर एक प्रोसेस का ये सब अपना होगा जो मतलब नॉन शेयरेबल होगा। अगर कोई प्रोसेस रन कर दिए किसी एड्रेस स्पेस में, वो एड्रेस स्पेस किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं दिया जाएगा जब तक वो टर्मिनेट ना कर जाए या जब तक वो वापस से रेडी क्यू में नहीं चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस। ओके, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम कॉल है फोर्क, और फोर्क के बारे में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। फोर्क एक सिस्टम कॉल है जो 3 तरह की वैल्यूज आपको रिटर्न कर सकती है, या तो वो निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगी, या फिर वो जीरो वैल्यू रिटर्न करेगी, या फिर पॉजिटिव वैल्यू। तो फोर्क एक सिस्टम कॉल है जो इन 3 तरह की वैल्यू रिटर्न कर सकती है। अगर वो रिटर्न कर रही है निगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या है कि प्रोसेस क्रिएशन फेल हुआ है, प्रोसेस क्रिएशन फेल्ड,
हम इस सिस्टम कॉल को यूज करते हैं एक नई प्रोसेस, मतलब एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। तो जो भी प्रोसेस इस फोर्क सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगी, इसका मतलब क्या है कि वो कोई चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है। तो निगेट नो प्रोसेस क्रिएटिंग फेल्ड, जीरो का मतलब क्या है कि प्रोसेस क्रिएट हो गई है, और ये फोर्क सिस्टम कॉल जीरो रिटर्न करेगी किसको, चाइल्ड प्रोसेस को। जो नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई है उसको जीरो रिटर्न करेगी फोर्क सिस्टम कॉल, और जिसने इस सिस्टम कॉल को कॉल किया था, फोर्क को जिसने कॉल किया था, मतलब पेरेंट जो था उस पेरेंट को ही रिटर्न करेगी प्रोसेस आईडी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। हमेशा जो भी चाइल्ड प्रोसेस होगी, जो सिस्टम जो भी हम फोर्क के थ्रू क्रिएट करेंगे, वो हमेशा रन करेगी पेरेंट के साथ में पैरेलली। चाइल्ड प्रोसेस एंड पेरेंट प्रोसेस दोनों पैरेलली रन कर रही होगी, और चाइल्ड प्रोसेस सेम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू शेयर करेगी जो पेरेंट प्रोसेस शेयर कर रही है। तो अगर आपके पास में मेरी सिस्टम कॉल, लेट्स से मेरे पास एक मेन फंक्शन है और इसके अंदर मैं कहीं फोर्क सिस्टम कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मेरे पास में एक है प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। तो ये हेलो दो बार प्रिंट होगा। दो बार क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपने एक फोर्क कॉल की है। फोर्क मतलब क्या है, एक नई चाइल्ड प्रोसेस बन गई है और वो सेम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू शेयर करेगी। मतलब क्या है कि प्रोग्राम जब इस टाइम पे फोर्क ये जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है फोर्क, उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो फोर्क ने सेम प्रोग्राम काउंटर शेयर किया, तो फोर्क ने इसको प्रिंट किया प्लस पेरेंट ने भी इसको प्रिंट किया, तो दो बार प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी फोर्क सिस्टम एन इक्वस टू लेट से वन सिस्टम कॉल है, ओके, फोर्क एक बार कॉल हुआ है, एन इक्वस टू वन का मतलब क्या है कि फोर एक बार कॉल हुआ है, तो टू टू पावर वन टाइम्स यानी कि टू, ओके, टू टाइम्स जो है आपके प्रिंट एफ कॉल होगा। अगर आपका एन इक्वस टू थ्री टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि टू टू पावर थ्री टोटल प्रोसेस क्रिएट हुई है। अगर मैं चाइल्ड प्रोसेस की बात करूं तो टू टू पावर थ्री माइनस वन यानी कि सेवन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई है और एक पेरेंट प्रोसेस है, इसलिए हमने वन माइनस किया है। चाइल्ड प्रोसेस कितनी होगी, सेवन, टोटल प्रोसेस कितनी होगी, एट। तो फोर कैसे सिस्टम कॉल है जो आपकी न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन विच, ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या था, डी। व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, रेडी स्टेट का मतलब क्या है एक प्रोसेस के लिए। अगर हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की बात करें तो स्टेट डायग्राम प्रोसेस का ऐसे है, न्यू न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग, रनिंग टू टर्मिनेट एंड वेटिंग, और यू कैन से ब्लॉक। तो पहले एक प्रोसेस क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद में वो मेमोरी के अंदर लोड होगी, इसका मतलब क्या है कि वो रेडी क्यू में पहुंच चुकी है। प्रोसेस न्यू स्टेट में, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस आईडी असाइन हो चुकी है प्रोसेस को, लेकिन अभी तक वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुई है। रेडी क्यू का मतलब क्या, रेडी का मतलब क्या है कि प्रोसेस आपकी रेडी क्यू के अंदर लोड हो चुकी है। रेडी क्यू कहाँ है, मेमोरी के अंदर, यानी कि प्रोसेस आपकी मेमोरी के अंदर लोड हो चुकी है लेकिन अभी तक वो रन नहीं कर रही है, तो ये मेन मेमोरी के अंदर है अभी। अब रेडी क्यू से एक एक प्रोसेस, सीपीयू शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक एक प्रोसेस यहाँ से सेलेक्ट करेगा और उनको सीपीयू एलोकेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो रनिंग है, सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है, और फाइनली कंप्लीट होने के बाद में वो टर्मिनेट कर जाएगी। जिस टाइम वो रन कर रही है, हो सकता है कि वो कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करे, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करना हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करने के बाद में वापस से वो रेडी क्यू में जाएगी, ओके। तो ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। रेडी स्टेट का मतलब क्या है, व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, ये फॉल्स। व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, फॉल्स। व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग सीपीयू, वो तब क्या है, रनिंग स्टेट में है, तो ये भी फॉल्स। अगर आपकी प्रोसेस सीपीयू को यूज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो रनिंग स्टेट में है, तो नन ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नोट एक आपका टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है इंटर, ओके, लुक एट दिस, इंटर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो दो डिफरेंट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तभी होगा जब वो कुछ शेयर कर रही होंगी रिसोर्सेज, तभी वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी।
तो कम्युनिकेशन विद इन दी प्रोसेस? नो, ये क्या है, इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन है. अगर कम्युनिकेशन विद इन दी प्रोसेस है तो क्या है, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, ये सही है. कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम रिसोर्सेज, दिस इज नॉन एज इंट्रा थ्रेड कम्युनिकेशन, यू कैन से. तो बी राइट आंसर है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, टू डिफरेंट प्रोसेसेस. अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक्ड इफ ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर. ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, नन ऑफ द मेंशन्ड अबव. तो ए राइट आंसर है. डेडलॉक आप किसे बोलते हैं? डेडलॉक का मतलब यह है कि लेट से दो प्रोसेस हैं, पी वन एंड पी टू. पी वन को दो रिसोर्सेज आपके पास में, आर वन एंड आर टू, और दोनों प्रोसेस को दोनों रिसोर्सेज यूज करनी है. जो पी वन है उसको हमने, वो आर वन को रिक्वेस्ट कर रही है और आर टू उसको मिला हुआ है. जो पी टू है वो आर टू के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और आर वन उसको असाइंड है पहले से ही. ओके, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस पी वन ने आर वन को होल्ड किया, आर टू को होल्ड किया हुआ है और आर वन के लिए वेट कर रही है. पी टू क्या है, पी टू को आर वन मिला हुआ है और पी टू आर टू के लिए वेट कर रही है. इसका मतलब क्या है कि पी वन पी टू के लिए वेट कर रही है एंड पी टू पी वन के लिए वेट कर रही है. तो सर्कुलर वेट है, इसका मतलब क्या है, कोई प्रोसेस इनमें से रन ही नहीं कर पाएगी, दोनों ब्लॉक हो गई है और ये हमेशा के लिए ब्लॉक ही रहेंगी क्योंकि एक दूसरे का वेट करती रहेंगी. तो ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, ये डेफिनेशन है डेडलॉक की. सो हमें पता है कि हर एक प्रोसेस के पास में एक पीसीबी है और एक पीसीबी के अंदर हम क्या क्या स्टोर करते हैं वो हम देख चुके हैं पिछले एक क्वेश्चन में. तो हर एक प्रोसेस के पास में उसकी अपनी प्रोसेस आईडी होगी उसके स्टैक के अंदर. ये सब मेंटेन कर रखने की कोई ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम अगर स्टेट मेंटेन नहीं रखेंगे, और हमें पता है कि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो प्रोसेस बीच में एक दूसरे को स्विच करेंगे. तो जब वो स्विच करेंगे और जब वो वापस आएंगे स्विच करने के बाद में, तो हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुके थे एक प्रोसेस को, क्योंकि हमने एक प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट किया है. तो इसीलिए प्रोसेस की स्टेट मेंटेन रखना ज़रूरी है, और प्रोसेस की स्टेट मेंटेन रखने के लिए हम प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यूज़ करते हैं. ओके, तो एड्रेस, फाइल्स, रजिस्टर्स एंड स्टेट्स, हम ये सब देख चुके हैं कि ये सब आपके स्टैक के अंदर होगा. तो फंक्शन पैरामीटर्स, यस, हर एक प्रोसेस का उसके स्टैक के अंदर होगा. लोकल वेरिएबल्स भी होंगे, पीआईडी भी होगी, रिटर्न एड्रेस मे नॉट बी, दिस इज